ताकि दुनिया को मैसेज चला जाए कि सिंधी एक पुरअमन कौम है। हेलो गाइस, वेलकम टू काया किड्स। आज 4 दिसंबर है और सिंध की सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। आप सिंधी डे किस तरह मना रहे हैं? अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। हम बहुत खुशी से दिन मना रहे हैं और हमें हम चाहते हैं कि ये दिन हर साल आते हैं तो हम इसको बहुत खुशी से मनाएं। बस नारा लगाना चाहते हैं, जिए सिंध। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारस अली है। आप सिंध का सकाफत का दिन कैसे मना रहे? बहुत अच्छा लगा हमें जो ना, आज हमारा खुशी का दिन है। ऐसा लग रहा है कि हमारी ईद है, हर इस्लामी ईद होती है, लेकिन ये जो है हमारा जो है ना सिंधी सकाफती दिन बहुत ही आम होता है हमारे लिए। हमारा खुशी का दिन है, आज हम बहुत खुश हैं। आपका नाम क्या है? दीन मोहम्मद। आप सिंध की सकाफत का दिन कैसे मना? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तरह हम बनाते हैं ज़बरदस्त, और जैसे बच्चे आते हैं टोपी बन के पहन के आते हैं, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करते हैं। हमारा तो ईद का दिन होता है इधर। और कोई पैगाम? बस पैगाम हम इस 4 डे को हम ईद की तरह मनाते हैं, बस पैगाम ये है। यहाँ पे कैंप लगा हुआ और यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, मतलब सिंधी टोपी और जरक बिक रहे हैं। आपका नाम क्या? हसनैन अली शेख। आप सिंध की सकाफत का दिन कैसे मना रहे? बहुत खुशी के साथ, अच्छी तरह। बस यही बोलूँगा, जितने भाई सिंधी हैं आपस में मिलजुल के रहें। तो अभी हम अंकल से पूछते हैं कि वो कैसे बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक लाशारी। आप सिंध का सकाफत का दिन कैसे मना रहे हैं? बिल्कुल ईद की तरह मनाते हैं, और आपको पता है कि सिंध की सकाफत माशाल्लाह सदियों बहुत पुरानी है, और इसमें हर चीज़ जो है आपको सिंध के सकाफत के हवाले से अदरक, सिंधी टोपी और मुख्तलफ जो हमारी सकाफत के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो पकाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। और ये यूँ समझे कि ये जिस तरह हम ईद उल अज़हा और ईद अपना रमज़ान की ईद होती है, ईद उल फितर होती है, इसी तरह हमारा ये सिंध का जो कल्चर डे है ये हमारे हमें यूँ समझे कि ये ईद की तरह है, और इसको ईद की तरह ही मनाते हैं। और ये मोहब्बत, भाईचारा और अमन का पैगाम हम देते हैं पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को। सिंधी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? सिंधी कौम को पैगाम ये दे के अपने जो है ना इख्तलाफात भुला कर आप अपनी कौम की खिदमत करें, और अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, और अपनी बच्चों को जो है ना चाहे अपनी बच्चों को जहां पर भी जहां मतलब पूरे सिंध लेवल पे उनकी जो है ना तालीम का ख़ास तौर पर जो है ना उस पर तवज्जो दें। और यही जो है ना हमें आगे बढ़ने का एक जीना है और सीढ़ियाँ हैं, तालीम जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वाल सलाम। आपका नाम क्या है? निसार अहमद। आप सिंध की सकाफत का दिन कैसे मना रहे हैं? हम बहुत खुशी से मना रहे हैं, ये हमारा ईद का दिन है आज, हम बहुत खुश हैं, सब यार दोस्त मिलके मना रहे हैं। आप सिंधी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिंधी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लिखें, पढ़ें और बाशऊर कौम बने। पैगाम असा सिंधी मोहब्बत वाला मानू आयो, नफरत से जानिंदा ना आयो, दुश्मन हो जे जहाँ धार्य हो जे असान दा मोहब्बत कौन जानू था, मोहब्बत में माप कौन जानू था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब। आप सिंध का सकाफत का दिन कैसे मना रहे हैं? अच्छे तरीके से मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि ये दिन हम ईद की तरह मनाते हैं। हमारा कल्चर डे, हमारा सकाफती दिन है, इसीलिए हम खुशी से मनाते हैं। और सिंधी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सिंधी उनको हम ये पैगाम देंगे, पुरअमन कौम है, और जहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन वो अपनी खुशी के साथ औरों को भी शामिल करें, ताकि दुनिया को मैसेज चला जाए कि सिंधी एक पुरअमन कौम है और पूरी दुनिया के अंदर ये आज का दिन खुशी से मना रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ताहिर नवाज़।
आप सिंध का सकाफत दिन कैसे मना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुरअमन तरीके से। हम सिंधी जो हैं एक बहुत ही मतलब तहजीबी याफ्ता और कदीमी हमारी रिवायत है सिंधी टोपी हजरक डे, जिसको हम बड़े ही भरपूर तरीके से मनाते हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम सिंधी हैं और सिंधी होने पे हमें बहुत फ़ख्र है। और मैं इस पे एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि वडो मच मचाए छजे गट गिची माला है छजे उचो गाट करे हलजे या कंध यार कपाए छे जी एस आई जी एम सैयद। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तुफैल बलोच। आप सिंध का सकाफत दिन कैसे मना रहे हैं? बहुत खुशी से मनाते हैं, ये हम हर साल मनाते हैं 2010 से, जब से ये सकाफत शुरू हुआ है हम मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये खाली हम सिंधियों के लिए नहीं है, सारे सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए, सब के लिए खुशी से मनाया जाए। ये सब जो है ना सिंध, जो भी सिंध में रहते हैं सब खुशी से मनाए इस दिन को। सिंधी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सिंधी कौम को यही पैगाम देंगे हम, एक जुमला है, केडो भी चाहे दुश्मन मुझो ड्राहे न सगंदो नक्शो सिंध जो किरंदो रहंदो रत असां जो चवदो रहंदो जीएस 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 जीएस।